होम्योस्टैसिस होम्योस्टैसिस मतलब शरीर में पूरे शरीर में एक संतुलन बना के रखने वाली सिस्टम है ये संतुलन कम होगा वो एडजस्ट करेगा बढ़ेगा वो एडजस्ट करेगा कुछ भी होगा वो एडजस्ट करने की कोशिश करेगा इसी को होमियोस्टेसिस कहते हैं ये बॉडी का तरीका है किसी भी शरीर के अंदर एबनॉर्मल चीज़ को कंट्रोल करने का चाहे वो खून बह रहा हो चाहे वो ब्लड क्लॉट हो रहा हो सो so, होता क्या है बॉडी के अंदर अगर कहीं खून बहरा कोई ब्लड वेसल खून की नस को इंजरी होगी आर्टरी को या वेन को तो आपके खून बहना शुरू होगा और होम्योस्टेसिस के चलते आपका खून रोकने की कोशिश होगी यानी ब्लड वहां पे क्लॉट होगा ठीक है और अगर बहुत ज्यादा क्लॉट आ गया मान लो क्लॉटिक क्लॉट क्लौट तो होम्योस्टेसिस फिर काम करेगा और वो क्या करेगा आपके क्लॉट रोकने की कोशिश करेगा नहीं तो क्या हो जाएगा ब्लड वेसल क्लॉट होकर बंद हो जाएगी सारा का सारा खून ही आना बंद हो जाएगा उसको तो सिर्फ उतने उस इतने जगह में अगर यहाँ डैमेज हुआ है तो इतने में क्लॉट करके यहाँ रोकना ये यह नहीं कि क्लॉट करके पूरी खून की नस को भर देना सो रिमेंबर दिस स्मॉल पॉइंट और अगर क्लॉट बहुत ही कम होगा तो ब्लीडिंग होती रहेगी बोती रहेगी होती रहेगी इवन छोटी सी इंजरी से होती रहेगी होती रहेगी इसीलिए ये कंट्रोल मैकेनिज्म है सो तो बॉडी इसको कंट्रोल करती है क्लॉटिंग और डिजॉल्व करने में क्लॉट को डिजोल्व भी करती है क्लॉट को एक्सेस मतलब स्टिमुलेट भी करती है जब क्लॉट की ज़रूरत नहीं होती है, उसको डिजोल्व भी करती है टेम्प्रेरी राइट टेम्प्ररी क्लॉट जो होते हैं तो होता क्या है अगर इस सिस्टम में गड़बड़ आ गई क्लॉटिंग के ब्लीडिंग क्लॉटिंग सिस्टम में तो एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है ज़्यादा ब्लीडिंग होती जा रही कहीं से भी ब्लीडिंग हो रही है मुंह से नाक से लैटरिन से पेट के अंदर ही अंदर या एक्सेसिव क्लॉटिंग हो सकती है कई भी क्लॉट हो रहे हैं कई क्लॉट हो रहे हैं तो क्या होगा हमने अभी वीडियो में देखा राइट और दोनों चीजें डेंजरस है अगर क्लॉटिंग सही से नहीं हो रही है तो छोटी मोटी इंजरी भी आपको ज्यादा ब्लड लॉस करके जान पे बन जाएगी और क्लॉटिंग ज्यादा है तो छोटी मोटी खून की नस एकदम से पूरी बंद हो जाएगी आगे खून नहीं जाएगा अटैक आ सकता है स्ट्रोक आ सकता है हार्ट अटैक स्ट्रोक खून के किडनी प्रॉब्लम किडनी स्टीमिया कहीं पर भी जहां पर खून नहीं जाएगा वहां पर आप समझते हैं सुनपना आएगा वो हिस्सा मरने लग जाएगा राइट और क्लॉट अगर वेन में हो जाए हमने ऑलरेडी बात करी है कि वापस आने वाला प्रॉब्लम आ सकता है और पल्मोनरी एम्बोलिज्म लंग में आ सकता है क्लॉट वापस आके सो so, इसलिए क्लॉटिंग को समझना क्लॉटिंग को एकदम मैनेज करना कंट्रोल करना बहुत जरूरी है बॉडी के लिए उसके लिए बॉडी के पास तीन बड़े बड़े प्रोसेस है तीन प्रोसेस हैं क्लॉटिंग को कंट्रोल कर। को करना नंबर वन प्रोसेस है ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करना ब्लड वेसल्स को नैरो कर सकते हैं हम छोटा कर सकते हैं नैरो कर सकते हैं शरीर खुद करता है आप खुद से नहीं कर सकते दूसरा प्रोसेस है एक सेल लाइक ब्लड पार्टिकल बनाना जिसको हम प्लेटलेट कहते हैं खून के अंदर प्लेटलेट है जो कि एक दूसरे से जुड़ के एक तरीके का क्लॉट बना देते हैं जगह पे बंद करने के लिए कि भाई ब्लीडिंग और ना हो प्लेटलेट प्लेटलेट <coughs> कम हो जाए तो ब्लीडिंग होती है ना हो ज़्यादा हो जाए तो क्लॉटिंग ज़्यादा हो सकती है प्लेटलेट भी बैलेंस में होने चाहिए इसीलिए डेंगू में प्लेटलेट कम हो जाते हैं तो ब्लीडिंग के चांसेस हो जाते हैं हाथ पैरों में थप्पे आने शुरू हो जाते हैं कई लोग ब्लीडिंग में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है और यहाँ तक कि ब्लड के अंदर प्रोटीन्स हैं कई क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं अब ये प्लेटलेट एक दूसरे से जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे ये डिटरमाइन होती है केमिकल रिएक्शन से जैसे ही कोई खून की नस में कोई क्रैक भी आता है टूटता है कट मरता है इंजरी होती है वहाँ से केमिकल सिक्रिट होते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स को स्टिमुलेट करते हैं और क्लॉट बनना शुरू होता है उस एरिया में तो ये एक तरीका है क्लॉटिंग फैक्टर्स आपका लिवर बनाता है इसीलिए लिवर की बीमारी में आपके क्लॉटिंग में प्रॉब्लम आने शुरू हो जाते हैं ये इसलिए इंपॉर्टेंट है राइट जब भी आपको कोई भी इंजरी होती है खून की नस में ब्रेक होता है तो उस केमिकल रिएक्शन से क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट होते हैं तो प्लेटलेट्स एक्टिवेट होते हैं वो प्लेटलेट एक दूसरे से जुड़ना शुरू होते हैं पहले सबसे पहले प्लेटलेट जो है शेप चेंज करते हैं वो शेप चेंज करते हैं राउंड होते हैं नॉर्मली उससे वो स्पिनी हो जाते हैं स्पाइनी हो जाते हैं स्पाइनी मतलब उसमें टक 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 स्पाइन से जाते हैं और वो क्या करते हैं जो जहाँ पर खून की नस टूटी है जहां इंजरी है वहां पर उसमें चिपकना शुरू कर दे उसकी नसों में वॉल्स में एक दूसरे के ऊपर टक 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 चिपकना शुरू कर देते हैं प्लेटलेट्स एक दूसरे के ऊपर तो इससे क्या होगा जहां क्लॉट हुआ है जहां खून बह रहा है वहां पर वो क्लॉट आना शुरू हो जाता है और वो ब्लॉक कर देता है और भी ब्लीडिंग ना हो राइट ये क्या करेगा और ये दूसरे तरीके का फिब्रिन करके एक स्ट्रैंड होता है जो धागों की तरह सीमेंट की तरह एक उसके ऊपर एक के बाद एक एक के बाद एक ऐसे लगना शुरू होता है प्लेटलेट के ऊपर जो कि उस क्लॉट को अच्छा थोड़ा सा पक्का कर देता है कि ऐसा ना हो कि थोड़ा सा भी कुछ हो जाए आपने हाथ लगाया कि फिर ब्लीडिंग होगी राइट थोड़ा पक्का करता है फिब्रिन स्टैंड तो ये ब्लड प्रोटीन होता है फिब्रिन और फिब्रिन स्टैंड उसके ऊपर एक नेट जैसा एंट्रैपमेंट बना जिससे प्लेटलेट और कुछ ब्लड के सेल वहां फंस जाएँ और वहां पर क्लॉट अच्छा एक प्लग बन जाए वो प्लग टूटे ना वो इंपॉर्टेंट फैक्टर है ताकि वहां पर जो है बढ़िया से ब्लड फ्लो रुक जाए तो ये तरीका होता है कैसे ब्लड क्लॉट होता है जब भी इसमें कोएगुलेशन फैक्टर्स लिवर में प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम जब भी इसमें प्लेटलेट कम ज़्यादा होगी तो प्रॉब्लम या अगर जब भी इसमें खून की नस जो है वो उसकी इलास्टिसिटी ख़त्म होगी तो प्रॉब्लम तो इलास्टिसिटी खत्म होती है स्मोकिंग से डायबिटीज़ से और मोटापे से और बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी गलत पोल्यूशन से और क्लोटिंग लिवर डैमेज होता है दारू पीने से बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेने से बहुत ज़्यादा मोटे होने से फैटी लिवर से फैट हेपेटाइटिस से तो बहुत सारी बीमारी एक दूसरे के साथ ओवर लिंक्ड होती है तो इनको समझ के इसीलिए मेडिसिन में डॉक्टर्स डिसीजन लेते हैं खुद का ट्रीटमेंट इसीलिए नहीं करना चाहिए राइट right, सो so ये हुई बात सारी कि हाउ डज़ ब्लड क्लॉट सो क्लॉट से बचने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है हेल्दी रहो हेल्दी जियो कोई सवाल है तो नीचे लिखो